जो 2014 में पीडीपी ने किया वो यहाँ पे अभी तक किसी जमात ने नहीं किया। जो 370 हटा और यहाँ के ही लोगों ने हटाया, पीडीपी ने हटवाया, उतना बड़ा धोखा यहाँ की आवाम को अभी तक किसी ने नहीं। और भी मेरे पास गिनाने को बहुत कुछ है। मुफ्ती जगमोहन को यहाँ, मुफ्ती साहब ने जिस जगमोहन को लाया, 370 को सादिक के वक्त डाइल्यूट किया, प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर की पोजीशन में कन्वर्ट किया जिस कैबिनेट में मुफ्ती साहब थे। आर्म फोर्सेस स्पेशल पास एक्ट तब लगाया जब मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर। लेकिन हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपसे दरख्वास्त करती है कि इस लड़ाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप कमज़ोर नहीं कीजिए। ये जो लड़ाई है इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करके आप बीजेपी को ताकतवर मत बनाइए। सवाल किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया है क्या नहीं किया है, मेरा इस पर एक ही जवाब मुख्तसरन रहेगा। जो 2014 में पीडीपी ने किया वो यहाँ पे अभी तक किसी जमात ने नहीं किया है। जो 370 हटा और यहाँ के ही लोगों ने हटाया, पीडीपी ने हटवाया, उतना बड़ा धोखा यहाँ की आवाम को अभी तक किसी ने नहीं दिया है। और भी मेरे पास गिनाने को बहुत कुछ है। मुफ्ती जगमोहन को यहाँ, मुफ्ती साहब ने जिस जगमोहन को लाया, 370 को सादिक के वक्त डाइल्यूट किया, प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर की पोजीशन में कन्वर्ट किया जिस कैबिनेट में मुफ्ती साहब थे। आर्म फोर्सेस स्पेशल पास एक्ट तब लगाया जब मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे। ऐसी मैं अनगिनत चीज़ें गिना सकती हूँ, लेकिन मेरा आज महबूबा जी से सिर्फ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट साहब, हमारे प्रेसिडेंट जो हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा है। और उनकी बात को आगे लेते वक्त मैं महबूबा जी से अपील करती हूँ कि मैं आज अपील करती हूँ कि आज लड़ने का, आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। जो ये लड़ाई आज नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ लड़ रही है जम्मू और कश्मीर के तशख्स के लिए, जम्मू और कश्मीर की ज़मीन के लिए, जम्मू और कश्मीर की नौकरियों के लिए, यहाँ के लोगों की एग्जिस्टेंस के लिए, आज हमारे वजूद पे सवाल खड़ा हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा 50-60-70 साल में कोई कश्मीरी आपको मिलेगा ही नहीं। आज हमारे वजूद की बात है ये लड़ाई जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। अगर आप हमारा इस लड़ाई में साथ नहीं दे सकती हैं तो ठीक है, हम समझते हैं आप हमारा साथ नहीं दे सकती। लेकिन हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपसे दरख्वास्त करती है कि इस लड़ाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप कमज़ोर नहीं कीजिए। ये जो लड़ाई है इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करके आप बीजेपी को ताकतवर मत बनाइए। ये हमारी आपसे मौतबाना गुजारिश रहेगी। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमारा अलायंस सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं है, हमारा अलायंस सीपीआई के साथ भी है। जो इससे पहले हमने इलेक्शन लड़ी उसमें भी हमारा, जो लोकसभा में इलेक्शन लड़ा हम लोगों ने, पार्लियामानी इंतखाबात, उसमें हमने सीपीआई के साथ इलेक्शन लड़ा, उसमें हमने कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ा, उसमें हमने आम आदमी पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ा, उसमें हमने कई सारी जो लेफ़्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ या एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो फ्रंट है उसके साथ इलेक्शन लड़ा, इंडिया ब्लॉक में इलेक्शन लड़ा। आज भी जम्मू और कश्मीर में इंडिया ब्लॉक इलेक्शन लड़ रही है, वो ब्लॉक जो पूरे देश में बीजेपी को पूरे देश से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ इसी वजह से इलेक्शन लड़ रही है ताकि बीजेपी को वोट बांटने का मौका ना मिले। आपने वो वीडियोज़, क्या इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ, मैं बताती हूँ क्यों। आज 10 साल से, मिसाल के तौर पे एक जगह है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, आज 10 साल से वहाँ का पुराना एमएलए इंतज़ार कर रहा है, उसके हज़ार हज़ार वर्कर्स इंतज़ार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, खून दे रहे हैं अपना कि कब ये इलेक्शन हम लोगों को लड़नी होगी और कब हम यहाँ के लोगों के लिए एक्चुअली डेवलपमेंट फ़ंड ला पाएंगे। क्योंकि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं आपको इस पूरे एरिया के 10,000 लोग 10,000 काम दे के रखते हैं। एक बोलता है सर मेरी सड़क बनानी है, दूसरा बोलता है मेरा कोचा बनाना है, तीसरा बोलता है मुझे लाइट लगवानी है। इलेक्शन नहीं ऐसे लड़े जाते ना, इलेक्शन प्रोमिसेस पे लड़े जाते हैं और वो आपको पूरे करने होते हैं, लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। ये तैयार हैं आज 10 साल से कि ये करना है, अचानक से उनको हमारी ही पार्टी से फरमान आ जाता है ये सीट अब आपकी नहीं है, अब इस सीट पे दूसरी पार्टी कांग्रेस लड़ेगी मिसाल के तौर पे, या अलायंस पार्टनर में कोई और पार्टी है वो लड़ेगी। आप सोच ही नहीं सकते इससे काडर कितना डीमोटिवेट हो जाता है और कितना गुस्सा हो जाता है। आप सभी लोगों ने एक वीडियो देखी होगी जिसमें हमारा एक वर्कर
दीवार पे लगी हुई पोस्टर उतार रहा है उमर साहब का, वो वायरल हो गई है वो वीडियो, बांडीपोरा से वो वीडियो थी। बांडीपोरा से वो वर्कर ने, उसका इंटरव्यू भी आया, उसने इतना गुस्सा उस वर्कर को क्यों था, उसने जब उसका इंटरव्यू लिया गया उसने कहा 10 साल से हम काम कर रहे हैं, अचानक से आपने हमारी बांडीपोरा की सीट उठा के आपने कांग्रेस को दे दी। मेरा बोलने का मतलब ये है कि एक अलायंस में एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत बहुत नुकसान होता है, लेकिन हम ये नुकसान उठाने को, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये नुकसान उठाया, हम ये नुकसान उठाने को तैयार हैं सिर्फ इस वजह से कि जो बीजेपी की ग्रैंड स्ट्रैटेजी जम्मू और कश्मीर में रहती है, वोट तोड़ने की इनकी सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, जो एंटी बीजेपी वोट है ये इसके टुकड़े हो जाने चाहिए। जब एंटी बीजेपी वोट के टुकड़े हो जाते हैं बीजेपी खुद पावरफुल हो जाती है। तो इस गेम को हराने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नुकसान सहने को तैयार है, लेकिन बीजेपी को वोट तोड़ने के लिए हम इजाज़त नहीं देंगे।